दोस्तों मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर को। डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान से देखना चाहिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 5 कंपनीज है इंश्योरेंस सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल या एक एंटिटी अपने फाइनेंशियल लॉसेस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन लेती है एक इंश्योरेंस कंपनी से, और वहां पे वो कुछ प्रीमियम पे करती है जिसके अगेंस्ट में कंपनी उनको प्रोटेक्शन देती है कि अगर कभी भी उनको जाके कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है, जिस भी तरीके का इंश्योरेंस लिया गया है, तो वो कंपनीज उनको कॉम्पनसेट करेंगी। और दोस्तों जो कंपनीज होती हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं वो ऐसे मल्टीपल कस्टमर से प्रीमियम कलेक्ट करती हैं और एक जगह पे उनको इकट्ठा करती हैं, जिसकी वजह से वो इसको एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना के डिफरेंट कस्टमर बेस तक लेके जाती हैं और उसके ऊपर अपना रिस्क एनालिसिस करती हैं कि उनको कितना रिस्क हो सकता है, कितना उनको लॉस पे करना पड़ सकता है डिफरेंट कस्टमर्स का। दोस्तों जब भी किसी इंश्योरेंस की बात की जाती है तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी कस्टमर के लिए, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग इंश्योरेंस लेते हैं। सबसे पहला प्रीमियम अमाउंट, कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, मान लीजिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी कार या किसी भी मोटर इंश्योरेंस लेते हैं, उसके ऊपर आप पॉलिसी कितना पे करते हैं, पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम कितना पे करते हैं, और जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो डायरेक्टली एक इनकम की तरह एक्ट करता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। सेकेंड होता है पॉलिसी लिमिट, कि मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस लिया, अपने ऊपर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और अगर आपको कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए आपने 75 लाख का इंश्योरेंस लिया था, तो आपकी पॉलिसी का जो लॉस लिमिट होता है वो 75 लाख तक होता है, जो कि आपको 75 लाख तक का ही पैसा आपको मिलेगा, इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। थर्ड होता है डिडक्टिबल्स, जहां पे कुछ अपफ्रंट पैसा कंपनीज मांगती हैं कस्टमर से ताकि यहां पे फॉल्स क्लेम्स को रोका जा सके। दोस्तों जब भी इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाती है तो यहाँ पे 2 डिविजन्स हैं ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि वो सारे इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस इसके अंदर आता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे आता है, आपका एंडोलमेंट प्लान्स यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा कुछ तरीके के यूलिप्स होते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी होती है जनरल इंश्योरेंस की, जहां पे मान लीजिए कि आप अपना मोटर का इंश्योरेंस करवाते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं, आप अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो सारे इंश्योरेंस आपके जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 2 सब कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज जनरल इंश्योरेंस। तो जब भी आप किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है या वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर अपना बिजनेस रन करती है। चलिए दोस्तों डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, जिसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि काफी सालों तक चलता है। जनरल इंश्योरेंस में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि 1 साल का आपकी बाइक का इंश्योरेंस, 1 साल का आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस। सेकेंडली लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप यहाँ पे पीरियोडिक प्रीमियम पेमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपको एक टाइम पे लमसम अपना सारा पेमेंट करना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पैसा जो वापस पे करती है इंश्योरेंस कंपनीज, या तो वहां पे कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है तब पैसा पे किया जाता है, या मैच्योरिटी के बाद यहाँ पे पैसा वापस करने का भी प्रोविजन होता है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर पैसा सिर्फ लॉस होने के कारण या जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तभी पैसा वापस किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लो रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन होता है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के अंदर हाई रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन होता है, कि मान लीजिए कहीं पे कोई नेचुरल कैलमिटी आई और वहां पे इंश्योरेंस कंपनी का बहुत ज्यादा पैसा चला गया। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो अमाउंट पेबल होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है पॉलिसी के अंदर, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के अंदर बहुत बार जो लॉस इंकर किया जाता है वो डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर कितना पैसा पे किया जाएगा, यानी कि बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं होता कि अमाउंट पेबल कितना ज्यादा होगा जनरल इंश्योरेंस के अंदर। चलिए दोस्तों अब कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानने का ट्राई करते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एम्बेडेड वैल्यू। दोस्तों एम्बेडेड वैल्यू आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पूरे बुक वैल्यू के बारे में बताती है, कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स को डिस्काउंट कर लेता हूं आज के टाइम और उनको एड अप करके जो वैल्यू निकालता हूं वो मेरी एम्बेडेड वैल्यू निकलती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की। दोस्तों वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस आपको बताता है कि इस साल के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने कौन कौन से नए बिजनेस यानी
यानी कि कौन कौन से नए बिजनेस एज ए कंपनी वो लेके आई है, और उसके प्रॉफिट अगर मैं अगले आने वाले साल में देखूं उसको डिस्काउंट बैक करूं तो वो मुझे बताते हैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। अगर आप उसको ऐड करते हैं एम्बेडेड वैल्यू के अंदर तो आपको कंपनी की वैल्यू के बारे में एक अच्छे तरीके से पता चलता है। दोस्तों नेक्स्ट होता है एक्सपेंस रेशो, जो आपको बताता है कि कंपनी के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि मान लीजिए प्रीमियम पे करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर या इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे कितने हैं कंपनी के, जो आपको कंपनी के प्रॉफिट को डिस्काउंट बैक करने के अंदर हेल्प करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होता है परसिस्टेंसी, जो आपको बताता है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर कितने लंबे टाइम तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, और जितना लंबा परसिस्टेंसी होती है कंपनी कस्टमर्स की, यानी कि जो जितने लंबे टाइम के लिए किसी भी कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं उतनी ज्यादा वैल्यू वो कंपनी उन कस्टमर से डिराइव करती है। तो अगर आप कभी भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आपको परसिस्टेंसी के बारे में जरूर देख लेना चाहिए। लॉस एंड इनकर्ड क्लेम रेशो, तो ये रेशो आपको बताती है कि मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट किया, और यहां पे जिन भी लोगों ने कंपनी से इंश्योरेंस लिया था, कंपनी ने उन लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया, तो कंपनी ने 100 में से 50 रुपीज का पैसा वापिस पे कर दिया जो भी क्लेम किया गया था, तो कंपनी का ये रेशो होता है 50%। तो ये रेशो जितना ज्यादा कम होगा कंपनी के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उतना कंपनी पैसा रिटेन करके रखती है एज अ प्रॉफिट्स। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं टाइमलाइंस के बारे में कि कब कौन सी कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर में पूरे इंडिया के अंदर डेवलप हुई। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले 2000 के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया गया था, और यहां पे एफडीआई का कैप 26% का रखा गया था। इससे पहले ये पूरी इंडस्ट्री एक तरीके से गवर्नमेंट प्लेयर्स के द्वारा चलाई जाती थी। इसके बाद 2010 के अंदर IRDAI का यूलिप रेगुलेशन आता है, 2013 के अंदर IRDAI का गाइडलाइन आता है जो कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है, 2014 के अंदर एक काफी बड़ा चेंज आता है जब FDI कैप को 26% से बढ़ा के 49% पे कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 2021 के अंदर एक और काफी बड़ा चेंज आता है जब FDI कैप को बढ़ा के 74% कर दिया जाता है। दोस्तों ये तो अभी तक बात हुई पूरी इंश्योरेंस सेक्टर की, जहां पे मैंने आपको इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं 5 कंपनीज के बारे में जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम करती हैं। यहां पे सबसे पहले नंबर पे आता है HDFC Life। HDFC Life एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,38,000 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों यही कंपनी HDFC पेंशन फंड को ऑन करती है, जो कि पूरे रिटेल सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा फंड है जिसका मार्केट शेयर 34% के आसपास का है। चलिए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और HDFC लाइफ के बारे में कुछ नंबर्स के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों अगर हम एम्बेडेड वैल्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 17 के अंदर ये नंबर 12,471 करोड़ का था, और यहां से लेके 2021 तक यहां पे 16.4% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया, जिसका अभी करंट वैल्यू 26,617 करोड़ के आसपास का है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करूं तो उसके अंदर भी 18.8% का ग्रोथ देखा गया है, और परसिस्टेंसी रेशो पिछले 13 महीने का कंपनी का 81% का था फाइनेंशियल ईयर 17 के अंदर, और फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर यह नंबर 90% पे पहुंच जाता है, जो कि काफी अच्छा नंबर माना जा सकता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,01,000 करोड़ के आसपास का है, और कंपनी का मार्केट शेयर अपने सेगमेंट के अंदर 24% के आसपास का है। चलिए जल्दी से अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कंपनी के नंबर्स के बारे में। कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर 48.62% का रिटर्न दिया है। कंपनी का अगर हम एम्बेडेड वैल्यू की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 17 में 16,538 करोड़ हुआ करती थी, उसके बाद इस वैल्यू ने 15.1% से ग्रो किया, और फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर यह नंबर 33,390 करोड़ के आसपास का था। अगर मैं वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करता हूं तो उसके अंदर भी 17.6% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है। परसिस्टेंसी रेशो की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 17 में 81.07% था, जो कि करंटली बढ़ के 87.92% पे पहुंच गया है। कंपनी ने अपने एक्सपेंस रेशो को भी कम किया है, जो कि एक टाइम पे 8.04% हुआ करता था, करंटली वो नंबर 5.94% के आसपास का है। दोस्तों इसके बाद आता है ICICI प्रूडेंशियल, जो कि स्पेस के अंदर तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 88,000 करोड़ के आसपास का है। चलिए बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। दोस्तों कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 102% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं एम्बेडेड वैल्यू की बात करूं तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 17 के अंदर यह नंबर 16,184 करोड़ था, इसके बाद यहां पे कंपाउंडिंग ग्रोथ 12.5% का देखा गया, करंटली ये नंबर 29,106 करोड़ के आसपास का है। अगर हम वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर भी 19.5% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया।
कंपनी का एक्सपेंस रेशियो जो कि एक टाइम पे काफी ज्यादा था 11.4% का, उसको कंपनी ने कम करके 9.5% पे लेके आए हैं। परसिस्टेंसी रेशियो कंपनी का 85.70% से इंप्रूव होके 87.10% पे पहुंच गया है। दोस्तों इसके बाद आती है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और स्पेस की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर 12% से ऊपर का है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करंटली 71,000 करोड़ के आसपास का है। चलिए अब कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 132% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें लॉस रेशियो की तो कंपनी का लॉस रेशियो 80.4% हुआ करता था जिसको कंपनी ने कम करके करंटली 72.9% पे लेके आए हैं और फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ये नंबर 68.6% का था। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 23.5% से बढ़कर 31.20% पे गया है। अगर हम कंबाइंड रेशियो की बात करें तो वो कंपनी का 103.9% से कम होके 99.80% पे आ गया है। दोस्तों लास्ट में बात करता हूं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी के बारे में जो कि जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है और ओवरऑल इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 34,000 करोड़ के आसपास का और कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव 50% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। चलिए मेरी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी का लॉस रेशियो 81% से बढ़कर 97.5% पे पहुंचा था फाइनेंशियल 20 में, 21 के अंदर यह नंबर 92.4% पे गया था। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो यह नंबर 18.70 से बढ़कर 19.63% पे गया था और कंबाइंड रेशियो कंपनी की 99.70 से बढ़कर 112.03% पे पहुंच गई थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन सब इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर वो कौन सी कंपनी है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.